अरे ब्रेक की सॉरी, वो बाबा कह भी रही थी क्यों, अब मेरे को पता नहीं आवाज आ रही है, ध्यान ही नहीं आ रहा था। ब्रेक के आसपास, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है भाई। मेरे जो 10 के सीधा सौदा का लाइनअप है वो आपकी स्क्रीन्स पर रख दिया गया है। यार आज का दिन थोड़ा सा अपने को शुरुआती ट्रेड को समझने की जरूरत होगी। दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बुल केस भी है, बेयरिश केस भी बैठता है, और कंफ्यूजिंग है ग्लोबली इक्विटी मार्केट, जो जहां खड़े थे वहीं खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो सब डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उस फेड के आउटकम और आगे की ट्रेजेक्टरी को, मूड माहौल को। ऐसे में टीम तो खड़ी कर दी है, लेकिन आपको माइंडफुल रहना है कि जरा स्क्रीन्स ऑब्जर्व करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा, और पहले इनिशियल जो कुछ है सेटल होने दीजिएगा। TCS कल के बिना बात के पेन, कुछ ज़्यादा सेंटिमेंट्स हावी हो गए थे। आज वो फेड आउटकम के बाद पॉवेल साहब की बार बार कमेंट्री रिएट्रेट करती हुई कि नहीं नहीं इकोनॉमी तो एकदम टकाटक है, TCS को ग्रीन रखता हूँ, इंडसइंड बैंक को ग्रीन रखता हूँ, टाटा मोटर्स रेट कट्स ग्लोबली, इवन आज BOE की भी बैठक है, बहुत पिट रहा है स्टॉक, ये ध्यान रखिए लगातार पिट रहा है इस समय, ग्रीन रखते हैं आज के सेशन में, वॉच करेंगे, इंपॉर्टेंट जोन्स पे खड़ा हुआ है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र सरकारी बैंक का तड़का, और ये अपना फाउंडेशन डे भी आज सेलिब्रेट कर रहा था, तो मैंने कहा मेंशन करा जाए, बढ़िया बैंक है, पिछले कुछ महीनों से क्वार्टर से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है। पावर ग्रिड एक सक्सेसफुल बिडर के तौर पर MP में प्रोजेक्ट के लिए, NTPC इसके यूनिट के IPO प्लान्स आ गए रिन्यूएबल बिजनेस के, इरिडा QIP अप्रूव करा सरकार ने कल शाम को, दीपम ने, गार्डन री शिप बिल्डर्स को एक विदेशी कंपनी से ऑर्डर मिला है करीब 500-550 करोड़ का, चार जहाज बनाने का। GT&D इंडिया के प्रमोटर्स आज OFS के जरिए माल बेच रहे हैं, तो आज पहले दिन तो लाल रखा है, कल रिटेल के लिए खुलेगा, देखते हैं आज किस तरह की डिमांड इक्वेशन बैठती है। आदित्य बिरला कैपिटल को RBI से नॉट मिला है, मर्जर अप्रूवल है एक, तो इसीलिए ग्रीन कर दिया। तो बिल्कुल इसी तरीके से एक टीम रखी गई यहाँ पे, और नज़र रखिएगा कुछ स्टॉक्स में। नज़ारा टेक ने अपना प्रेफरेंस कर लिया, फंड रेज किया यूनाइटेड ब्रूवीज स्पिरिट में, क्योंकि आंध्रा में पॉलिसी चेंज और एलआरआर कैपिटल की रिपोर्ट कह रही है 7-8% वॉल्यूम जंप होगा। आवास ने भी NCD जुटाने के लिए फैसला किया है। कोफोर्ज और परसिस्टेंट इसीलिए क्योंकि हो सकता है कि अगर IT में रिकवरी आएगी तो इसमें कोरोडार पर रखना चाहिए। लेमन ट्री ने एक और होटल विजयवाड़ा में अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। स्पाइसजेट के QIP में बहुत बड़े बड़े नामों ने पैसे लगाए। ONGC में रिड्यूस कॉल HSBC की, 235 का टारगेट, और बजाज ऑटो में 14,000 का टारगेट HSBC की ओर से बाई कॉल। तो चलिए आज का बहुत इंपॉर्टेंट डे, और अब एक्शन का डे। पॉलिसी रेट का फैसला हो गया US में, 0.5% कट हुई, जो अनुमान था आधे से ज्यादा लोगों, 65% लोगों का, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।